हेलो स्टूडेंट्स, सो फाइनल ईयर गर्ल्स आपका टॉपिक है आपका निरीक्षण विधि यानी कि बाल अध्ययन विधियों के अंतर्गत हम बात कर रहे थे निरीक्षण मेथड की यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड की। देखिए इस टॉपिक तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था, ये वाली स्लाइड जो है द नेक्स्ट आगे देखते हैं कि जैसे बच्चों का चिड़चिड़ापन यदि मिजाजी इस स्थिति में निरीक्षक को तब तक इंतजार करना पड़ता है जब तक वह विशिष्ट व्यवहार प्रकट ना हो। देखिए ऑब्जर्वेशन मेथड की बात कर रहे थे हम, तो उसमें बच्चों के व्यवहार को परखने का कि बच्चों के व्यवहार को कैसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं कि छोटे छोटे प्रतिदर्शों को कई अवसरों पर निरीक्षित करके उन्हें लिपिबद्ध किया जा सकता है। यानी कि जब किसी बच्चे का जो है व्यवहार निर्देशित किया जाता है तो उसको रिकॉर्ड के रूप में अपने पास जो है रिटिन फॉर्म में रखना चाहिए, केवल स्मृति पर ही इसको फीड नहीं करना चाहिए। साथ ही नियंत्रित निरीक्षणों को चेकलिस्ट, निरीक्षण तालिका, वीडियो फिल्म टेप रिकॉर्डर आदि के जरिए लिपिबद्ध या रिकॉर्ड किया जा सकता है। निरीक्षण के लिए निश्चित समय अवधि पूर्व या निर्धारित नहीं होती, तथापि सामान्यतः माना जाता है कि छोटे समय अवधि में किए गए निरीक्षण अधिक प्रभावी होते हैं। यानी कि लंबे समय तक किए गए निरीक्षण की अपेक्षा छोटे समय अवधि में किए गए निरीक्षण अधिक प्रभावी होते हैं, क्योंकि इसमें विशिष्ट व्यवहार के बारे में अधिक सूचनाएं मिल जाती हैं। ठीक है, जो भी निरीक्षण ऑब्जर्वेशन का मेथड होता है उसमें यही माना जाता है कि किसी भी बालक का लंबे समय तक किया गया जो ऑब्जर्वेशन है, निरीक्षण है, वो छोटे समय के लिए किए गए निरीक्षण मेथड से ज़्यादा प्रभावी होता है तथा पूरे विवरण को अधिक यथार्थता व बेहतर ढंग से लिख दिया गया जाता है। और साथ ही निम्न अनुसार निरीक्षण किए जाने पर बच्चे के विकास के बारे में उपयोगी सूचनाएं भी एकत्रित की जा सकती हैं, जैसे कि कौन कौन से जो क्षेत्र होते हैं, कौन कौन से टॉपिक होते हैं जिनके बारे में सूचनाएं एकत्र की जाती हैं, जैसे कि शारीरिक, ठीक है, शारीरिक जो उनकी फिजिकली प्रॉपर्टीज हैं, शारीरिक विशेषताओं के बारे में कि उनका सामान्य रूप रंग, बच्चों का बालकों का पहनावा, सुरुचिपूर्ण व स्वच्छता के बारे में कि वो कितने हाइजीनिक हैं, ऊंचाई व वजन का रिकॉर्ड किया जाता है, शारीरिक गत्यात्मक में समन्वय तथा दक्षता के बारे में रिकॉर्ड किया जाता है, साथ ही शारीरिक सहन शक्ति उनकी कितनी है। तो ये शारीरिक जो है यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पर ऑब्जर्व, जिनका निरीक्षण किया जाता है, उनको रिकॉर्ड किया जाता है। सामाजिक, जो सामाजिक क्षेत्र है उसमें कौन कौन से तत्व ऐसे होते हैं जिनको ऑब्जर्व किया जाता है, साथियों के साथ अभिक्रिया व संबंध कि बालकों को समूह में दूसरे बालकों के साथ खेलते देखकर, कार्य करते देखकर उनका निरीक्षण किया जाता है कि बालक कि अन्य उसके साथियों के साथ किस तरह की प्रतिक्रिया है, संबंध कैसा है, क्योंकि इससे काफी हद तक अगर इस तरह का निरीक्षण बालकों का किया जाता है तो उनके जो सामाजिक संबंध है, उनके जो व्यवहार कुशलता है उसके बारे में जानने के अवसर प्राप्त होते हैं। और साथ ही यह पता लगाया जाता है कि बालकों की जो परिवार में उनको किस तरह की जो है पारिवारिक संबंधों से संबंधित जो है नैतिक गुणों का विकास उनके अंदर किया गया है, साथ ही सामूहिक व्यवहार के बारे में कि बच्चों का सामूहिक व्यवहार की ग्रुप में जब बच्चे जो है व्यवहार करते हैं, प्रतिक्रियाएं करते हैं तो वो किस तरह की हैं। अजनबी तथा वयस्कों के साथ अंतःक्रिया कि बच्चों की यह ऑब्जर्व किया जाता है, यह निरीक्षण किया जाता है कि बालकों का अजनबी और वयस्कों के साथ जो है अंतःक्रिया कैसी है, किस तरह का उनका संबंध है, आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए निर्भरता कि अपनी आवश्यकताओं की को पूरा करने के लिए वो काफी हद तक किस हद तक वो दूसरों पर डिपेंड है या वो सेल्फ डिपेंड है, इस बात का भी निरीक्षण किया जाता है। देखिए जो भी जिस भी फील्ड का निरीक्षण किया जाता है, जिन क्षेत्रों का, उससे यही आकलन प्राप्त होता है कि जो बालक का विकास है वो किस हद तक हुआ है, यानी कि उसकी अवस्था के अनुसार, उसकी आयु के अनुसार जो उसका विकास है वो सही तरह से हो पाया है या नहीं हो पाया है। साथ ही भावनात्मक के क्षेत्र में कि भावनाओं की अभिव्यक्ति कैसी है उसकी,
जैसे कि इसमें काफी हद तक हम संवेगों के बारे में बात करते हैं कि उनके बालकों के अंदर संवेगात्मक स्थिरता है या नहीं है, उनके संवेगों की अभिव्यक्ति किस तरह की है, भावनाओं पर नियंत्रण है या नहीं, यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि परिस्थितियाँ जो है अनुकूल होने पर, अनुकूल ना होने पर बालकों में संवेगात्मक तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। तो यह निरीक्षण किया जाता है कि बालकों में भावनाओं पर नियंत्रित करने की क्षमता है या नहीं है, साथ ही विभिन्न उद्दीपनों पर प्रतिक्रिया उनकी कैसी है, भावनात्मक तनाव के लक्षण, कि कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं कि जो संवेगात्मक तनाव के कारण कई तरह के भावनात्मक तनाव जैसे कि नाखून कुतरना है, अक्रामकता है, अक्रामकता यानी कि एकदम क्रोधित हो जाना, सामान को फेंकना, अंगूठा चूसना, बिस्तर गीला करना, ये सब भावनात्मक तनाव होते हैं जिनके बारे में निरीक्षण किया जाता है। साथ ही बौद्धिक कि उनका जो मानसिक योग्यता है, विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं नहीं करते हैं, निर्देशों को समझना व तदनुसार कार्य करने की योग्यता, तो इन सब से साथ ही रुचि रखने वाली क्रियाओं के प्रकार, स्मृति, निष्पादन में उपलब्धि और प्रश्नों में पूछताछ का जवाब भी उन पर अनुक्रिया, कि जब बच्चों से, जब बालकों से ऑब्जर्वेशन मेथड में क्वेश्चनिंग की जाती है तो वो उसका जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, और उस पर और उन बालकों पर उसका क्या अनुक्रिया उसकी प्रति होती है। तो ये सब जो क्षेत्र होते हैं इनमें निरीक्षण किया जाता है बालकों के, क्यों किया जाता है कि ताकि बालकों के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त किए जा सके। अब देन नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, इंटरव्यू या साक्षात्कार विधि जिसके द्वारा बच्चों का व्यवहार का अध्ययन भी किया जा सकता है, क्योंकि साक्षात्कार बच्चे के व्यवहार का अध्ययन कराने का एक और अच्छा जो है प्रभावी तकनीक होती है। इसमें जो साक्षात्कार करता होता है, भेंट करता होता है, वो बच्चे में तथा उसके विचारों में गहन रुचि रखता है, ठीक है। देखिए ये अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट की बात होती है कि जैसे इससे पहले आपने ऑब्जर्वेशन मेथड पढ़ा, निरीक्षण मेथड पढ़ा, तो किन्हीं व्यक्तियों को, जैसे कि हमने बहुत से मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा, सबने अपने अपने विचार दिए, अपने अपने मत रखे इसके बारे में, बाल अध्ययन के बारे में, तो किसी ने निरीक्षण विधि को अच्छा समझा बच्चों के व्यवहार को का अध्ययन करने के लिए, बाल अध्ययन के लिए, और किसी ने साक्षात्कार विधि को, तो जो मनोवैज्ञानिक थे उनके विचारों, उन्होंने बच्चों में और उनके विचारों में गहन रुचि रखी तथा उनका पूरा ध्यान बच्चों पर होता है, साथ ही भेंटकर्ता अपने प्रश्नों के उत्तरों या प्राप्त सूचनाओं का बिना सही या गलत विचार के स्वीकार कर लेता है, यानी कि एक क्वेश्चनरी वो तैयार करता है साक्षात्कार के लिए, तो जिसमें वो बच्चों से प्रश्न पूछता है और उनके आंसर या प्राप्त सूचनाओं को, चाहे वो सही हो या गलत हो, उनको नोट करता है, साथ ही वांछित सूचनाओं को पैनी दृष्टि से उनके भावना और विचारों के प्रति वास्तविक सुरुचि भी उसको दिखानी पड़ती है, यानी कि एक तरह से उसको क्रियाशील रहना पड़ता है, उसको अवेयर रहना पड़ता है, और स्वयं उदासीन या वस्तुनिष्ठ रहकर एक सफल साक्षात्कार के लिए ये जरूरी है कि बच्चे के प्रति सच्चा प्रेम तथा स्वीकृति दिखाई जाए, क्योंकि देखिए जब तक बच्चों के प्रति प्रेम और सहानुभूति और स्वीकृति जैसी भावना नहीं होगी, तब तक चाहे वो निरीक्षण हो, चाहे वो इंटरव्यू साक्षात्कार मेथड हो, वो सफल नहीं हो सकता। बच्चे का अधिकतम सहयोग प्राप्त करने के लिए उसके साथ एक ऐसा संबंध बनाने की जरूरत होती है जो स्नेही संवेदना तथा सहानुभूति पर आधारित हो, क्योंकि एक अनजान व्यक्ति के साथ बच्चे का अगर इंटरव्यू टेक्निक जो है, मेथड है, वो कराया जाएगा, तो पहले बच्चे का जो साक्षात्कार है उसके साथ जो है वो एक ऐसा पारस्परिक संबंध होना चाहिए ताकि वो अपने जो क्वेश्चन एरी है, जो प्रश्न पूछ रहा है, उसका जो आंसर है वो सही से दे सके। तो इसमें ही संवेदना और सहानुभूति पर आधारित होना चाहिए, साथ ही बहुत नजदीकी सकारात्मक संबंधों को बनाने से भी सावधानी से बचना चाहिए। देखिए ज्यादा, यानी कि एक तरह से कहते हैं कि ओवर रिएक्ट होना, कि ज्यादा एकदम नजदीकी भी जो बच्चा है, जो बालक है, उसके साथ नहीं बनानी चाहिए, नहीं तो ऐसे में जो साक्षात्कार विधि है वो अप्रभावी हो सकती है, क्योंकि ऐसा होने पर विकृत प्रतिक्रियाओं के आने का खतरा भी बना रहता है। इन परिस्थितियों में बच्चा ऐसे उत्तर देने की कोशिश करता है कि जिन्हें भेंटकर्ता द्वारा स्वीकार करने की संभावना हो
और भेंटकर्ता को कार्य की प्रकृति पहले से स्पष्ट है परिभाषित कर लेनी चाहिए। यानी कि एक तरह से पूरी प्री प्लानिंग होनी चाहिए। जब वो इंटरव्यू के लिए जाता है किसी भी बालक के लिए अध्ययन करने के लिए उसके व्यवहार का, और जैसे ही साक्षात्कार का लक्ष्य व उद्देश्य, भेंटकर्ता की आकांक्षाएं, भेंटकर्ता की भूमिका आदि खेल सामग्री बच्चे को आश्वस्त करने में कारगर सिद्ध होती है। वह खिलौनों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है, इससे उसके स्वयं के बारे में सचेतता में कमी आ जाएगी और वह सहज रूप से अपनी बात कर पाएगा। लेकिन उन्होंने इसको भी एक तरह से एक जैसे कि बच्चों को जब उनका इंटरव्यू लिया जाता है तो एक तरह से उनको उनको बिल्कुल एकदम अलर्ट बैठा के उनका इंटरव्यू लेने के बजाय उन्हें इस तरह से कि उनके हाथ में, उनके सामने उनके खिलौने हैं, ठीक है, या उनकी पढ़ाई से स्टडी से रिलेटेड उनका जो सामान है वो उनके सामने रख दिया जाता है, जिसमें वो जिससे खिलौनों के साथ उनका जो ध्यान है वो खिलौनों पर केंद्रित रहेगा, स्टडी मटेरियल पर केंद्रित रहेगा। तो वो ऐसे में जो है जो क्वेश्चंस उनसे किए जाते हैं वो उनका आंसर सही से बताते हैं और सहज ही अपनी बात को कह देते हैं। तथापि खेल सामग्री सरल होनी चाहिए जो जल्दी उसके जिज्ञासा को संतुष्ट कर सके, और साक्षात्कार का स्थान और परिवेश ऐसे होने चाहिए ताकि व्यग्रता तथा उत्तेजना कम हो और आपसी संबंध अच्छे से बन सके। प्रारंभिक बाल्यता अवस्था या शाला पूर्व बच्चे के साथ साक्षात्कार करते समय यह उचित होगा कि बातचीत को खेल खेल में करने की चेष्टा की जाए या आनंददायक अनुभव होना चाहिए। देखिए वही चीज है कि जैसे कि खेल खेल के माध्यम से जब बच्चों को शिक्षित किया जा सकता है, जब बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, तो उनका जो है बाल अध्ययन क्यों, उनका अध्ययन क्यों नहीं किया जा सकता, उनके व्यवहारों का अध्ययन क्यों नहीं किया जा सकता। तो कोशिश यही की जाए कि बच्चों को जब बच्चों के व्यवहार की का अध्ययन करना हो, उनको ऑब्जर्व करना हो या उनका इंटरव्यू लेना हो, तो कोशिश ये की जाए कि उनका खेल खेल के माध्यम से उनका जो है इंटरव्यू लेने की कोशिश की जाए। प्रारंभिक बाल्यावस्था के बच्चों के साथ क्या गुड़ियों, कठपुतलियों या टेलीफोन के खिलौनों का उपयोग कर बातचीत करना सीधे सीधे प्रश्नोत्तर शैली के मुकाबले अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। और साक्षात के दौरान बच्चों को रंगीन पेंसिल है, चिकनी मिट्टी है, इन सब के जो टूल्स होते हैं, इस तरह के जो बच्चों के खेल सामग्री होती है, उनसे कार्य करने की स्वतंत्रता देना और अपने बारे में सचेतन होने की आशंका को वो कम करता है। देखिए संरचित साक्षात्कारों में वास्तविक साक्षात्कार से पूर्व ही प्रश्नों को पूरी तरह से बना लिया जाता है, यानी कि पहले से क्वेश्चन एरी तैयार की जाती है। साथ ही जबकि मुक्त साक्षात्कार के लिए केवल विषय संबंधी रूपरेखा बनाई जाती है जिन्हें उपयुक्त समय पर तथा उपयुक्त भाषा में बच्चे के सामने प्रस्तुत किया जाता है। छोटे बच्चे के साथ कार्य करते समय मुक्त साक्षात्कार प्रणाली लाभकारी सिद्ध होती है, यानी कि उसमें ज्यादा बच्चों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, ज्यादा नियंत्रण नहीं होता है, विशेषकर जब बच्चों में भाषा और अवधारणा को समझने में बहुत ज्यादा विभिन्नता होती है। साक्षात्कार की अवधि बच्चे के ध्यान दे सकने की अवधि से मेल खानी चाहिए, क्योंकि बच्चे को ध्यान दे सकने की अवधि सीमित होती है। क्योंकि देखिए बच्चे का जो, मान लीजिए हमने पढ़ा कि बच्चे को खिलौने देकर या उनकी स्टडी मटेरियल देकर उनका जो है ध्यान जो है वो उनको जो ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, उनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो वो टाइम जो है वो सीमित होना चाहिए। ज्यादा अगर लंबा समय होगा तो ऐसे में बच्चों का ध्यान फिर भटक सकता है। साथ ही साक्षात्कार की पूरी बातचीत को भेंटकर्ता द्वारा एक भी रिटन फॉर्म में उसको रिकॉर्ड करते रहना चाहिए, उसको लिपिबद्ध करते रहना चाहिए। केवल ऐसा नहीं कि वो उसको मेमोराइज ही करके छोड़ दे, उसे अपनी स्मृति पर नहीं छोड़ना चाहिए। तो गर्स आज हमने बात की चाइल्ड स्टडी मेथड के बारे में, एक स्टडी मटेरियल स्टडी मेथड के बारे में, बाल अध्ययन विधियों के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये, आई होप आपको समझ में आएगा। गर्ल्स मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।